देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रंगों का पर्व। एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं लोग। अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में भी मनी होली, जहां पर भक्तों के फूलों के साथ मनाया त्योहार। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहुंचे, जहां पर शिवदानंद मार्ग स्थित विमेन पुलिस स्टेशन, महिला पुलिसकर्मी, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ त्योहार मनाया। हरियाणा के फरीदाबाद में भी धूमधाम से मनाई गई होली। इसके साथ ही ग्रीन फील्ड सोसाइटी में करीब 6,000 लोगों ने एक साथ होली मनाई। कोलकाता में भी होली का जश्न देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से मिलकर के जश्न मनाया। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में भी रंगों का त्योहार की धूम। राधा वल्लभ मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। उज्जैन में खेली गई खास होली। महाकाल फॉरेस्ट में शिव पार्वती और राधा कृष्ण का वेश बदलकर लोगों ने गुलाब लगाए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में मना रंगोत्सव का पर्व। होली के मौके पर पुजारियों ने रामलला के साथ खेली फूलों की होली। होली के मौके पर रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। राम मंदिर में पूजा करने के लिए देश भर से आए भक्त। होली के रंग में डूबी काशी। वाराणसी के चौक चौराहों से लेकर के घाट पर खूब उड़े रंग गुलाल। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होली का जश्न। स्थानीय लोगों ने जमकर के खेली होली। विदेशी सैलानी भी शामिल हुए। मुंबई में कई जगहों पर होली के मौके पर रेन डांस का आयोजन किया गया। मुंबई के पौश इलाके जुहू में होली की धूम। म्यूजिक पर थिरकते हुए नजर आए लोग। मुंबई में समंदर किनारे होली का जश्न। जुहू बीच पर लोगों ने रंग गुलाल लगाए। मुंबई में एक्ट्रेस शबाना आजमी और जावेद अख्तर के घर पर होली पार्टी रखी गई। कई फिल्मी स्टार्स वहां पर पहुंचे। पुणे में भी जश्न में डूबे हुए लोग एक दूसरे को जमकर के लगाया रंग और गुलाल। प्रयागराज में होली पर सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। छतों से भी जमकर के रंग बरसाते हुए नजर आए लोग। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में होली की खास आयोजन। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। अहमदाबाद शहर में रंग से सराबोर हुए लोग। भारी भीड़ एक दूसरे को होली का रंग लगाया। कोलकाता में होली की जबरदस्त धूम देखने को मिली। नाच गा करके होलोत्सव मनाया गया। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम में होली पर खास पूजा की गई है। श्रद्धालुओं को लगा तांता। सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। श्रीनगर में बीएसएफ के कैंप में दिखी होली की धूम। कमांड ट्रेनिंग सेंटर में जवानों ने नाच गा करके रंगों का पर्व मनाया। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई होली। एक दूसरे को लगाए रंग गुलाल। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने खेली होली। एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके खूब झूमे। सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने मनाई होली। बंगाल के फुलवाड़ी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों ने होली सेलिब्रेट की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाई होली। घर पर आए लोगों को रंग गुलाल लगा करके होली की बधाई दी। अहमदाबाद में होली के जश्न में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में अपने आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनाई होली। कहा 4 जून को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो देश फिर से होली मनाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में अपने आवास पर मनाई होली। देशवासियों को रंग का त्योहार शुभकामनाएं। होली के मौके पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। होली के मौके पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने बांटी मिठाई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का मुंह कराया मीठा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने होली की बधाई दी है। पिछले साल अहमदाबाद में उन्होंने होली मनाई थी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने से हड़कंप मच गया। भस्म आरती के दौरान हादसा हुआ। 13 लोग झुलस गए। महाकाल मंदिर में हुए हादसे पर घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए सीएम मोहन यादव पहुंचे। महाकाल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएमओ ने ट्वीट करके कहा घायल श्रद्धालुओं की जल्द स्वस्थ होने की कामना। दिल्ली के पांडव नगर में हुआ हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 बच्चे समेत 7 लोग झुलस गए। होली खेलने के दौरान हाई टेंशन लाइन में चल गया था पानी, जहां पर जिसकी बात हुआ जोरदार ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचने पर एक्ट्रेस कंगना रनौत का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। टिकट मिलने पर कंगना रनौत ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया। कहा कि जनता की सेवा के लिए मैं तत्पर। बीजेपी का टिकट मिलने पर बोले नवीन जिंदल। कहा कि कुरुक्षेत्र की जनता, मेरा परिवार, पीएम मोदी की अगुवाई में बनेगा विकसित भारत। नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होने पर जयराम रमेश का तंज। कई वॉशिंग मशीन तैनात कर एक भ्रष्ट मुक्त कांग्रेस बना रही है बीजेपी। सीट बंटवारे पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान। कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, जिससे सीट बंटवारे में काफी दिक्कत हो रही है। चुनाव को लेकर के हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान। कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने तेज किया चुनाव अभियान। अगरतला में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नोएडा पुलिस ने दिए 2 महिलाओं पर लगाया 33,000 का जुर्माना। हाल ही में दोनों के कई वीडियो वायरल हुए थे। उत्तरी चेन्नई में नामांकन दाखिल करने के दौरान भीड़। डीएमके और एआईडीएमके प्रत्याशी दोनों नेताओं में हुई बहस और झगड़े।
कोस्टगार्ड ने समुद्र में डूब रहे मछुआरों को बचाया। मछली पकड़ने वाली बोट से 5 मछुआरे को रेस्क्यू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में उद्योग और वाणिज्य मंत्री गान किम योंग से मुलाकात की है। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। जिनेवा में आईपीओ की बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कश्मीर को लेकर के दिए बयान पर कहा, पड़ोसी देश का लोकतंत्र पर ज्ञान देना बहुत मजाक लगता है।